कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है बाबा। आइसक्रीम की खुशबू आ रही लेकिन मेरे मुंह में कुछ अलग ही खाना जा रहा। ए तुम लोग है ना मिलके मेरे साथ में स्कैम तो नहीं कर रहे? मुझे सब समझ में आता है, आइसक्रीम दिखा दिखा के तुम मुझे खाना खिला रहे, लेकिन मैं तुम्हारे खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता ना। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी बर्थडे की डेट आ रही है, और हाँ अभी है ना कल मेरी एग्जाम भी है, लेकिन है ना मैंने ना अपनी पूरी पढ़ाई कर ली और बस 2 घंटे निकाले। इसी 2 घंटे में ना मुझे अपने ना बर्थडे का जो ड्रेस है, जो बर्थडे के दिन मैं पहनूंगी, वो मार्केट से लेके आना है, और बाकी सारी शॉपिंग तो हम मॉल में से ही करेंगे। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं फिर चलते हैं मार्केट में। आप जाओ ना, तैयार हो रहा ना? मैं तैयार, तुम्हारा रेडी हो जाओ पहले, मेरे को क्या 2 मिनट लगता। हम तो रेडी हो गए, चलो ना चलो। और ये दूसरे कपड़े पहनो, हम भारी दुकान में जाने वाले, लोग क्या बोलेंगे। शॉपिंग का नाम सुनते ही मेरी दीदी और मामा कितने खुश हम खुश हो जाते ना। चलो नीचे चलते हैं, जब तक मैं नीचे जाके कार में नहीं बैठ जाती तब तक है ना मम्मी पापा दोनों भी नहीं निकलेंगे, इसीलिए मैं नीचे जाके बैठ जाती हूँ। चलो ना पापा, आप ही लेट कर रहे हो कब से। जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना तब मैं और मामा बहुत एक्साइटेड रहते हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा। आज तो पापा भी साथ में, और ज्यादा एक्साइटेड। हाँ वो तो है। बस ज्यादा मार्केट में इधर उधर चलाना नहीं, घुमाना नहीं पहले बोल देना। तो कुछ दिन पहले ना हम ना फैमिली डिनर के लिए गए थे, और जाते जाते ना एक शॉप में ना हमें इतने मस्त मस्त ड्रेसेस दिखे थे ना बाहर, तो मम्मी को और मुझे ना वो बहुत पसंद आए, तो आज हम ना वही शॉप में जाने वाले हैं ड्रेसेस की शॉपिंग करने। मार्केट से ना हमें बहुत दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ी है, चलो अभी यहाँ से पैदल चलते हैं मार्केट। देखो ना पापा को इतना बोलने के बाद में भी पापा ने टी शर्ट नहीं बदला। देखो ना मैंगो का सीजन भी आ गया अभी, किस किस को मैंगो खाना अच्छा लगता है बताओ तो कमेंट में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये वाली शॉप से है ना हमने उस दिन कपड़े देखे थे, चलो अभी हम अंदर चल के देखते हैं। चलो मम्मी, कम ऑन फॉलो मी। अच्छा यूनिक ड्रेस देखो बोला। हाँ यूनिक ड्रेस ही देखेंगे, चलो बैठ जाओ पापा चिल। तो हमने है ना वहाँ पे काफी सारे ड्रेसेस देखे, बट वो कहते हैं ना कि एक परफेक्ट प्रिंसेस वाला ड्रेस जो देखते ही आंखों को पसंद आ जाए, वैसा ड्रेस अभी तक मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे है ना ये रेड वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देख लेती हूँ। तो जब मैंने ये ड्रेस ट्राई किया तो मुझे इसमें वो चार्मिंग प्रिंसेस वाली बात नजर नहीं आई। और फिर मैंने ये ड्रेस को मना कर दिया। फिर वो दीदी ने मुझे एक रेड कलर का लॉन्ग गाउन दिखाया जो देखने में तो अच्छा लग रहा था, बट उसमें वो प्रिंसेस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा कि हम वो व्हाइट कलर का एंजल वाला गाउन लगा के देखते हैं। वो लॉट्स ऑफ डिजाइन वाला व्हाइट गाउन अच्छा तो था, बट अंदर से एक फील नहीं आ रहा था कि हाँ यही मेरे बर्थडे का परफेक्ट ड्रेस होगा। इस वाले व्हाइट गाउन को देखकर ऐसा लगा कि हाँ ये एंजल वाला ड्रेस है। फिर मेरी और पापा की नजर एक रेड ड्रेस पर पड़ी और वो ड्रेस हमें देखते ही पसंद आ गया। जब मैंने ये ड्रेस अपने पे लगा के मिरर में देखा तो मुझे मिरर में प्रिंसेस नजर आई।
मुझे लगा कि यही है मेरे बर्थडे का ड्रेस। वो व्हाइट वाला गाउन बहुत कॉस्टली था। फिर मैंने सोचा कि हम इसको खरीद नहीं सकते, बट इसको एक बार पहन के तो देख ही सकते हैं। बोलो कौन सा अच्छा लग रहा है? ये रेड वाला। हाँ ये रेड वाला अच्छा लग रहा है। पक्का? पक्का रेड वाला अच्छा लग रहा है। उसको है ना वो व्हाइट वाला भी पसंद आया वाला है, भला क्या? लेने का व्हाइट वाला। हाँ तो व्हाइट वाला भी ले और वो रेड वाला भी ले, समझ में आएगा? उसको मत बता। आपको ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है? इसका इशू नहीं, अच्छा है ना व्हाइट वाला। दोनों लेके दे दो पापा। ठीक है ना, अभी खुश है ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा ड्रेसेस मिलने का बहुत अच्छी चीज ले रहे और परफेक्ट जगह पे आए, सबसे मेन बात बेटे से। वाओ फाइनली मैंने ना बहुत अच्छा एक रेड कलर का ना प्रिंसेस जैसे ड्रेस ले लिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो और क्या लेना बाकी रह गया? चलो फाइनल, चलो ना फिर ड्रेस ले लिया और हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। अभी सैंडल वगैरह सब मैचिंग मैचिंग ले, चलो यहाँ से ले लेंगे हम सैंडल। ले रहे अभी आप भी नहीं? देखो मम्मी को है ना ये वाले पैटर्न में अच्छी लग रही है सैंडल। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रस पीने के लिए, क्योंकि पापा बहुत बोर हो गए घूम घूम के, इसीलिए। ले लो ना। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। थैंक यू बाय। अरे वो खाना बनाते टाइम पे पहनते नहीं क्या, कुक वो लेंगे। अच्छा वो कुक वाला एप्रॉन, एप्रॉन लेने की खुशी में पापा चल दिए। चलो बैग में तुम्हारे। चलो पापा ने एप्रॉन ले लिया। तो पहुंच गए हम लोग घर पे। तो वो जो रेड वाला ड्रेस है ना वो अभी हमने लाया नहीं है, क्योंकि है ना उसको है ना मैंने अभी फिटिंग करने के लिए डाला है, तो है ना वो फिटिंग करके कल आ जाएगा। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला ड्रेस। और अभी मैं ना घर पे जाके खाना वाना खा के पढ़ाई करने बैठती हूँ, क्योंकि कल है मेरी साइंस वन का एग्ज़ाम, तो अच्छा जाना चाहिए ना इसीलिए। चलो देखते हैं चीकू क्या कर रहा है। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरा साइंस वन का एग्ज़ाम, तो अभी बज रहे सुबह के 7, तो मैं उठ चुकी हूँ। अभी मैं जल्दी से रेडी होके जाऊँगी, अपना एग्ज़ाम दूँगी और उसके बाद में हमें जाना है मॉल में चिकू बेबी के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो चलो मैं आपको भी मेरे साथ में लेके चलूँगी। आ गई मैं नहा के, और इसको देखो ये क्या कर रहे हैं। क्या है चिकू? चिकू आज तेरे लिए शॉपिंग करने वाले हैं, बर्थडे की शॉपिंग करने वाले हैं।
चलो तो अभी मैं जाके है ना पापा को उठा देती हूँ, क्योंकि क्या है पापा को भी रेडी होने के लिए टाइम लगेगा ना। इसको देखो कैसे सो रहे हैं। पापा उठो ना, उठो ना, जल्दी से उठ जाओ नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। 2000 years later. पापा चलो ना, बहुत लेट हो रहा है अभी मेरे को, जल्दी से बाहर निकलो। क्या आपके घर की भी ऐसी स्टोरी है क्या कि पापा लोग एक बार बाथरूम में जाके बैठ जाए तो जल्दी से बाहर निकलते ही नहीं है? पापा चलो ना। आ गया ना रे? अब बहुत जल्दी नहीं आ गया अभी? भगवान ने मुंह दिया खातरो खातरो, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता क्या? ये क्या तरीका है बच्चे सुबह सुबह आइसक्रीम खाने का, हॉस्टल से छूटा तो क्या सभी ये करने का क्या? अरे गैस खत्म हो गया ना। अरे तो क्या गैस खत्म हो गया तो क्या तू आइसक्रीम से पेट भरेगा सवेरे सवेरे? छोटों के लिए नहीं रहती हमारे घर में, मेरे को छोड़ के सभी बच्चे। तो आज मेरी एक्साइटमेंट है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है ना एग्जाम के बाद में ना मुझे मेरा प्रिंसेस वाला ड्रेस भी मिलने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब एक ड्रेस के वजह से लड़की बहुत खुश हो जाती क्या? हाँ फिर ऐसा रहता? हाँ, एक ही ड्रेस के वजह से इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी रहती है ऐसे चार चार दिन? नए ड्रेस पहनने की खुशी आपको क्या? हाँ ना, आप पुराने कपड़े पहनते रहते हो। Finally, आ गई मेरी स्कूल। Bye. चलो जाओ। हाँ हाँ जा। Best of luck. Thank you. चल बाय बच्चे। कहाँ पे आया बच्चे तू? हॉस्टल। ये हॉस्टल है तेरा? 2 hours later. कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। हाँ लिखा गया अच्छा? हाँ बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। कैसा गया आज का पेपर? एकदम बढ़िया। हाँ ये गाड़ी बहुत ऊँची है, स्प्लेंडर। अंदर गेट तो बंद है, गेट से नीचे जाएंगे कभी? उधर से जाके ना। अच्छा उधर से क्या? मैं तो लगा क्या इधर नीचे से जाने का इससे। बाय बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं कृष्णा को उसके स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और स्कूल ड्रॉप करने के बाद में हम जाने वाले हैं मॉल में चिकू के लिए शॉपिंग करने के लिए, और कृष्णा के लिए भी है ना थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे, क्योंकि क्या है किसी का भी बर्थडे हो हम तीनों के लिए कपड़े आते हैं घर। आ गए बच्चे तेरे स्कूल? अच्छा लेफ्ट से जाने का, लेफ्ट से। चलो कृष्णा तो उसके स्कूल चला गया, पापा अभी हमें जाना है मॉल। इधर कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ ना इधर कहाँ, मॉल जाना है। तुम चुपचाप बैठे रहो, भला इधर कहाँ लेके जा रहे बोले तो मॉल जाना है तुमको, चुपचाप बैठो। तो ये घर का रास्ता है ना, सीधे यहाँ से रोड पे लगेंगे और जाएंगे ना। हाँ ठीक है, पास रोड है ना, मैं भूल गई। मैं भी भूल गई, मुझे लगा घर पे लेके जा रहे। मेरा आज का एग्जाम जो था ना वो एकदम मस्त गया। अभी है ना कल तो मुझे छुट्टी है, कल है 29 मार्च और 30 मार्च को मेरा बर्थडे, 30 मार्च को ही मेरा साइंस 2 का एग्जाम है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एग्जाम दे के आऊंगी फिर उसके बाद में हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। आ गई मेरी फेवरेट जगह यानी कि मॉल। सबसे पहले कहाँ पे जाना है? पैंटालून ना? नहीं बिग बाजार। चलो बिग बाजार। अरे यार देखो ना बिग बाजार बंद है तो पापा की खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा है ना, टेंशन ही नहीं है बिग बाजार बंद है तो। उसके अंदर ही सबसे ज्यादा 2-4 घंटे लग जाते तुमको। देखो ना यहाँ पे बिग बाजार था वो भी बंद हो चुका है, और यहाँ पे शायद है ना रिलायंस का मॉल आ रहा है, देखो स्मार्ट बाजार। ओ भाई अरे मेरे वो बिग बाजार के वॉलेट में 10,000 रुपए थे। क्या बात कर रहे पापा, गए वो? क्या था यार ये, आपके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, बस ऐसा ही ग्रो करिए और आगे। तुमचे इजा पिक्चर जास्त तुमचे फैन आहे आम्ही। थैंक यू दी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय बाय। तो देखो आप सब लोग भी बताओ ये वाला ड्रेस कैसा रहेगा चिकू के लिए, क्यूट है ना एकदम?
तो देखो मम्मी को है ना ये वाला भी एक ड्रेस पसंद आ रहा है चिकू के लिए, तो हम है ना ये वाला भी एक लेंगे। बताओ मस्त है ना ये वाला भी। ये क्या है? ये कृष्णा के लिए। वाओ एकदम हैंडसम लगेगा वो इसमें। देखो ये वाली आ जाएगी ना कृष्णा को, और ये कितनी मस्त भी लग रही है, एकदम कम्फर्टेबल भी है, वो पहन भी लेगा। देखो अभी चिकू के लिए ना ये व्हाइट वाला टी शर्ट ले रहे हैं, क्योंकि है ना व्हाइट वाला टी शर्ट है ना चिकू पे बहुत ऑसम लगता है। ठीक है देखो कैसा लग रहा है कॉम्बो, आप भी बताओ कमेंट में। थैंक यू थैंक यू बाय। मतलब एक बेडशीट के लिए तुमको दूसरे मॉल जाने का था? तुमको नहीं, सिर्फ मम्मी को, मेरे को नहीं जाने का था। अच्छा पापा ये बेडशीट छोड़ो, चलो अंजलि को लेने चलते हैं। अंजलि कौन, धड़कन वाली? नहीं अंजलि शेट्टी की अंजलि। अंजलि तो अंजलि है मेरी कजन सिस्टर, यानी कि मेरी मौसी की लड़की, तो अभी है ना हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। हाय आ गए हम लोग घर पे। चलो तो फाइनली मेरा प्रिंसेस वाला रेड ड्रेस आ गया है, तो क्या आप रेडी हो मेरा प्रिंसेस वाला रेड ड्रेस देखने के लिए? उसको है ना वो व्हाइट वाला भी पसंद आया वाला है, भला क्या तो लेने का व्हाइट वाला। हाँ तो व्हाइट वाला भी ले और वो रेड वाला भी ले, समझ में आएगा। उसको मत बता। आवाज़ दे उसको। टिब्बू इधर आ। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।